करूंगा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की टॉप मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के बारे में। आपको बताएं दोस्तों, संदीप महेश्वरी जी और यूट्यूब इंडिया के बीच अभी हाल ही में काफी ज्यादा तकरार देखने को मिली थी। आपको बताएं यूट्यूब इंडिया में एक अपनी नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। यूं तो यूट्यूब कई जो अपनी पॉलिसी है दोस्तों रेगुलरली बदलता रहता है, और दोस्तों हर 2 से 4 महीने में यूट्यूब की नई पॉलिसी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो नई पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी काफी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर को नाखुश करने वाली पॉलिसी है। और आपको बताएं इसी बीच दोस्तों संदीप महेश्वरी जी यूट्यूब इंडिया की इस पॉलिसी को लेकर काफी ज्यादा नाखुश नजर आए हैं। आपको बताएं दोस्तों यूट्यूब की यह पॉलिसी क्या है, पहले ये जान लीजिए। आपको बताएं दोस्तों यूट्यूब ने कुछ दिन पहले यह ऐलान किया था कि वह यूट्यूब की नई पॉलिसी इंडिया में लेकर आ रहा है, और इस पॉलिसी के तहत अब वह ऐसे वीडियो पर भी एड रन कराएगा जिनका चैनल मोनिटाइज नहीं है, या जो चैनल मोनिटाइज मतलब जो चैनल अभी तक मोनिटाइज नहीं हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको बताएं दोस्तों YouTube आपका इस पॉलिसी को लागू करके कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा कि वो चाहे तो, क्योंकि आपको पता है मोनिटाइज चैनल जो है दोस्तों उस पर तो भी एड रन करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी YouTube की इस पॉलिसी के अनुसार जो नॉन मोनिटाइज चैनल है, जी हाँ दोस्तों जो चैनल अभी तक मोनिटाइज नहीं हुए हैं उनके वीडियो पर भी एड रन कराए जाएंगे। अब दोस्तों इसी से संदीप महेश्वरी जी इससे काफी ज्यादा खफा हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बताएं दोस्तों संदीप महेश्वरी जी के हाल ही में अभी 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं यूट्यूब पर। अगर वो एक ऐसे इंसान है दोस्तों कि वो एक सामाजिक मतलब कहा जाए दोस्तों समाज से एक प्रकार के व्यक्ति हैं, और दोस्तों उन्होंने अभी तक अपने चैनल को मोनिटाइज नहीं किया। अगर वो अपने चैनल को अभी तक मोनिटाइज कर देते दोस्तों तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि दोस्तों व्यूवर्स जो उनके आते हैं, जो उनके फैंस रहते हैं, उनके वीडियो देखने आते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखने आते हैं, उनका मानना यह है कि अगर बीच बीच में उनके चैनल के वीडियो पर अगर एड रन होंगे तो इससे क्या होगा, उनके जो मोटिवेशनल वीडियो मान लीजिए कोई व्यूवर्स मोटिवेशनल वीडियो दिख रहा है तो दोस्तों वो कोई इम्पोर्टेंट जी हाँ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात को वहां पर समझा रहे हैं, और इसी बीच में अगर कोई भी एड बीच में आ जाए अचानक तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों जो व्यूवर्स है उनको डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों जो संदीप महेश्वरी जी हैं अपनी वीडियो पर एड रन नहीं कराते हैं। अब दोस्तों अब यूट्यूब की जो नई पॉलिसी आ रही है इसके अनुसार यूट्यूब अगर चाहे संदीप महेश्वरी जी का चैनल जो मोनिटाइज नहीं है दोस्तों उस पर भी अगर यूट्यूब चाहे तो एड रन करा सकता है, मतलब एड रन कराएगा। बल्कि दोस्तों क्योंकि दोस्तों अभी तक तो ऐसा रहता था कि अगर जो चैनल मोनिटाइज है उसी पर ही ऐड चलता था, अब दोस्तों संदीप महेश्वरी जी का चैनल मान लीजिए मोनिटाइज नहीं है उस पर भी अगर यूट्यूब ऐड चलाता है तो दोस्तों ये तो उनके साथ काफी ज्यादा एक प्रकार का कहा जाए दोस्तों गलत व्यवहार होगा यूट्यूब का। क्योंकि दोस्तों आपको बताया दोस्तों अगर उनको अपना चैनल मोनिटाइज करना होता तो दोस्तों वो अगर उनको एड रन कराने होते अपने चैनल पर तो दोस्तों वो तो अपना चैनल मोनिटाइज कर लेते और अपने जो एड है वो रन करा सकते थे, लेकिन दोस्तों वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसी को लेकर संदीप महेश्वरी जी ने यूट्यूब से कहा है कि आप हमारे पार्टनर है ना कि डिक्टेटर। जी हाँ दोस्तों यूट्यूब जैसे ये पॉलिसी लागू करने जा रहा है इससे तो यही फील होता है कि यूट्यूब एक प्रकार की डिक्टेटरशिप अपनी कंटेंट क्रिएटर पर लागू कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें अब मान लीजिए संदीप महेश्वरी जी का चैनल मोनिटाइज नहीं है और यूट्यूब इस पर एड भी चलाता है तो इससे क्या होगा दोस्तों यूट्यूब इसका जो रेवेन्यू है वो संदीप महेश्वरी जी को नहीं देगा, यूट्यूब खुद ही रख लेगा क्योंकि दोस्तों यह चैनल मोनिटाइज नहीं है, और साथ में यूट्यूब एड भी रन कराएगा तो दोस्तों ये तो गलत बात हुई ना। अब दोस्तों इसी को लेकर संदीप महेश्वरी जी ने ये यूट्यूब को पत्र लिखा था, और दोस्तों इस लेटर के लास्ट वाले पॉइंट में उन्होंने ये भी कहा था यूट्यूब अगर चाहे तो वो यूट्यूब को मंथली या ईयरली बेसिस पर कुछ पैसे दे सकते हैं जिससे उनके चैनल पर यूट्यूब एड रन ना कराए। आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि आपको एक ऐसा मतलब ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो अगर चाहे अपने चैनल से लाखों रुपए कमा भी सकता है लेकिन दोस्तों वो कह रहा है कि यूट्यूब को कि आप हमारे चैनल पर एड रन नहीं कराइए चाहे मैं आपको मंथली या ईयरली बेसिस पर कुछ पैसे दे सकता हूँ, तब भी यूट्यूब अपना जो अपनी गलती है दोस्तों वो नहीं मान रहा है। अब दोस्तों आपको बता रहे इसी को लेकर संदीप महेश्वरी जी ने अब फाइनली डिसाइड कर लिया है और संदीप महेश्वरी जी ने अपना खुद का एक चैनल लॉन्च कर दिया है। क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा उनके जो फैंस हैं जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा था कि सर आप अपना खुद का ही एक चैनल लॉन्च क्यों नहीं कर लेते, तो उन्होंने अपना एक खुद का एक चैनल लॉन्च कर लिया है। जी हाँ दोस्तों यह चैनल यूट्यूब पर नहीं है, यह चैनल आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ऑनलाइन आपको जो संदीप महेश्वरी जी हैं इन्होंने अपना एक Smtv नाम से एक चैनल लॉन्च किया है, और दोस्तों इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस पर जैसे ही जाएंगे तो आप उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों चैनल की वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर उनकी वीडियो को लाइव देख सकते हैं। आपको यहां पर बता दें वो चैनल उन्होंने क्यों लॉन्च किया है, उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने बताया कि वहां पर आपको ना तो कोई किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, ना ही आपको वहां पर कोई भी जो प्रीमियम मेंबरशिप रहती है या सब्सक्रिप्शन रहता है वो देना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, कम्प्लीटली फ्री चैनल है आपके लिए। और ये चैनल जो है दोस्तों संदीप महेश्वरी जी ने खास अपने व्यूवर्स के लिए बनाया है जहां पर दोस्तों वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का आपको वहां पर डिस्ट्रैक्शन फेस ना करना पड़े, किसी भी प्रकार का इंटरप्शन फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों ये संदीप महेश्वरी जी ने अपना चैनल लॉन्च कर दिया है।
आप दोस्तों इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां पर जाकर इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर संदीप महेश्वरी जी ने ये भी कहा है कि वो हर हफ्ते आप दो वीडियो वेडनेसडे को और फ्राइडे को एक एक वीडियो, मतलब हर हफ्ते आपको दो वीडियो वहां पर उपलब्ध कराएंगे कम्प्लीटली। वहां पर आपको बताया दोस्तों उन्होंने चार वीडियो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, चार वीडियो वहां पर अपने जो संदीप महेश्वरी .tv चैनल है उस पर उन्होंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इससे दोस्तों अगर आप जो संदीप महेश्वरी के जो फैंस हैं दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर उनके वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों, तो आप वहां पर जरूर देखिए, जैसे यूट्यूब को भी यह पता चले कि जो बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं दोस्तों, उनको अगर ना कुछ अगर यूट्यूब करता है भविष्य में, तो उसके साथ क्या हो सकता है।